आपने 4000 mAh की बैटरी, 5000 mAh की बैटरी, 7000 mAh की बैटरी वाला फोन बहुत देख लिए। आज हम बात करने वाले 22000 mAh की बैटरी वाला फोन के बारे में, जिसको आप एक दिन चार्ज करेंगे तो 2-3 वीक आराम से चल सकता है। और इसके रियर में 1000 lumens ब्राइटनेस वाली LED लाइट लगाया है, जिससे एक छोटे कमरे को आसानी से उजाला कर सकते हैं। इतना ही नहीं, इस फोन के सभी स्पेसिफिकेशन के बारे में जानने वाले हैं, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए। ये फोन इल्फोन कंपनी के तरफ से लॉन्च किया है, जिसका नाम है इल्फोन एयरमोड 24। कुछ दिन पहले ही ये फोन चाइना में लॉन्च हुआ है। चलिए सबसे पहले इस फोन का स्पेसिफिकेशन के बारे में जान लेते हैं। तो इस फोन में मीडियाटेक हेलियो G96 प्रोसेसर दिया है, जो कि 12 नैनोमीटर पे बेस्ड है। ये एंड्रॉइड 13 पे रन करता है। ग्राफिक्स के लिए माली G57 GPU दिया गया है। ये सिंगल वेरिएंट में ही आता है, 12GB रैम 256GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। कैमरा की बात करें तो ये डुअल रियर कैमरा सेटअप के साथ आता है, 64 MP का वाइड एंगल कैमरा, 64 MP का नाइट विजन कैमरा। इस फोन के कैमरा से रात में भी दिन के जैसा ही फोटो क्लिक कर सकते हैं, क्योंकि इसमें इतना बड़ा लाइट जो दिया है। इस रियर कैमरा से फुल HD वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसमें 16 MP का फ्रंट कैमरा दिया है, जिसे 30 FPS पे 1080p वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। हाइट 181.2 mm विथ 87 mm, थिकनेस 27.5 mm और वेट 647 ग्राम्स का है। भाई ये इतना हैवी फोन है कि इसको हम अपने जींस में रखेंगे तो हमारा जींस बार बार नीचे की तरफ ही गिर जाएगा। मुझे लगता है ये फोन चाइनीज के लिए ही सही है। मोटा भी कितना है, 27.5 mm का, ये काफी ज्यादा हो गया। और इस फोन का एक अच्छी बात ये भी है कि ये वाटरप्रूफ है, क्योंकि इसमें IP68 देखने को मिला है। डिस्प्ले की बात करें तो इसमें 6.78 इंच का फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले है, जो कि 120Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। रेजुलेशन 1080x2460 pixels, पिक्सल डेंसिटी 396 PPI और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन दिया है। भले फोन भारी हो या फिर मोटा, पर प्रोटेक्शन जरूरी है। इस फोन में एक साइड बटन भी दिया है, जैसे आईफोन में एक्शन बटन होता है, वैसे ही इसमें साइड बटन दिया है, जिससे इसका जो ये लाइट है उसको 3 लेवल पे कंट्रोल कर सकते हैं। और दूर से भी ये फोन 6 वाट का बीम जनरेट करता है। ये तो कहना भूल ही गया, इसमें 22000 mAh की बैटरी है, जो कि 66 वाट का चार्जर सपोर्ट करता है। भाई ये बैटरी है कि बैटरा है या फिर कुछ और है, पता नहीं। इस बैटरी का क्या नाम देना है आप सब डिसाइड कर लो, पर एक चीज तो है, इस फोन को चाहे जितना भी यूज करेंगे तो ये कम से कम 1 वीक का तो बैटरी बैकअप जरूर देगा। इसमें डुअल बैंड वाईफाई है, ब्लूटूथ 5.2 है, NFC है, FM रेडियो है जो कि वायरलेस है, और FM रिकॉर्डिंग का ऑप्शन भी मिल जाता है। फिंगरप्रिंट सेंसर साइड माउंटेड है, तो ये सब इस फोन में दिया गया है। ये फोन अच्छा है, हाई क्वालिटी मटेरियल से बना है, मल्टीपल रियर कैमरा का ऑप्शन मिल जाता है, NFC को भी सपोर्ट करता है, लेटेस्ट ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी को इस फोन में इस्तेमाल किया गया है, रैम और स्टोरेज भी अच्छा खासा दिया है, माइक्रो SD कार्ड का सपोर्ट भी मिल जाता है। बाकी ये फोन थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा हैवी है, 5G का सपोर्ट देता तो और भी अच्छा होता। और इसका WLAN कनेक्शन स्पीड एवरेज है, उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है। बाकी यही सब था इस फोन में। आपको 1 किलो का फोन कैसा लगा, ऐसे अपना फीडबैक दे सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।